इस कहानी की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी से। इस समय दुनिया में राजा और महाराजाओं का राज था और ये सभी लोग अक्सर आपस में लड़ते रहते थे सिर्फ राज्य विस्तार को लेकर। इसलिए इस समय दुनिया भर में कई युद्ध देखने को मिलते हैं, जैसे यूरोप में 30 ईयर्स वॉर, अफ्रीका में कॉन्गो वार, चाइना में मिंकिंग वार और इंडिया में मुगल मराठा वॉर चल रही थी। लेकिन अगर आम लोगों की बात करें तो जिस प्रकार भारत में वर्ण 4 भागों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी प्रकार फ्रांस में भी समाज 3 वर्गों में बटा था, जिसमें सबसे पहला था राजा और उनके नवाबों का स्थान और दूसरे पर आते थे धर्म के ठेकेदार, जिन्हें हम पुजारी, पादरी या उलेमा भी कह सकते हैं, और सबसे आखिरी स्थान था आम जनता का, जो कि अधिकतर किसान थी। हजारों सालों से यही परंपरा फ्रांस में चली आ रही थी। ज़्यादातर लोग यहाँ मानते थे कि राजा को भगवान ने चुना है राजा बनने के लिए, और जो धर्म के ठेकेदार या क्लर्की थे वो खुद को ही भगवान द्वारा भेजा गया दूत बताते थे। बाकी यहाँ बचे गरीब लोग तो खुद की गरीबी का कारण पिछले जन्म में किए गए पापों को बताते थे, और ऐसे ही उनका जीवन कटता रहा। लेकिन फिर शुरुआत हुई एज ऑफ एनलाइटमेंट की। असल में ये एक दौर था कि लोगों ने खुद से सोचना शुरू कर दिया था, जिसमें कई फिलोसोफर ने अपना योगदान भी दिया। जैसे जैसे लोग सवाल करते जा रहे थे, वैसे वैसे धर्म के ठेकेदारों का पर्दा उठता जा रहा था। ऐसे ही इंग्लैंड के एक राइटर एडवर्ड हर्बर्ट ने कहा था कि जो चीज़ इन ग्रंथों में लिखी हुई है उन पर सवाल किया जा सकता है। ईश्वर ने भले ही इस दुनिया की रचना की होगी, पर उन्होंने अब इसमें इंटरफेयर करना बंद कर दिया है, और अब इंसानों को ईश्वर तक पहुँचना है तो उन्हें इन सब के पीछे का कारण पता लगाना होगा। जॉन लॉक ने भी कहा कि हर एक इंसान बराबर है, किसी एक इंसान का दूसरे इंसान पर हक जमाने का कोई हक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उनका राजा बनना चाहता है तो पहले उसे उस जनता से परमिशन लेनी होगी। इस समय जो क्लर्गी थे वो आम जनता, जो अधिकतर किसान थी, उनसे टैक्स लिया करते थे, जो कि उस फसल का 1/10 हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा राजा भी जनता से टैक्स लेता था। सन 1756 में फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, और इस समय फ्रांस और ब्रिटेन औपनिवेशिक शक्ति हुआ करते थे। दोनों के बीच अक्सर युद्ध हुआ करते थे। ऐसे ही एक युद्ध 1756 से 1763 तक चला। इनके बीच चले इस युद्ध के बाद फ्रांस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तभी 1664 में नए राजा बने लुईस 16वें। ये सिर्फ 20 साल के थे जब राजा बने। इन्होंने रॉबर्ट जैक्स टुर्गो नाम के व्यक्ति को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, और 1774 में टुर्गो ने काला कृषि कानून लागू किया। इस कानून ने अनाजों पर से सरकार का इंटरफेयर खत्म कर दिया था। अब जो अनाज के व्यापारी थे वो अनाज को खरीद सकते थे और अपने मनचाहे दाम पर उन्हें बेच सकते थे, जिसकी वजह से अनाज का दाम और ऊपर बढ़ता चला गया, और इसी के कारण अप्रैल और मई 1775 ईस्वी में कई जगह दंगे होने लगे। इन दंगों को देखकर टुर्गो ने विचार किया कि क्यों ना एक ऐसा नियम बनाया जाए जिससे राजा और क्लर्गी भी टैक्स दें, पर ऐसा नहीं हुआ। टुर्गो को ही पद से हटा दिया गया सन 1776 में, और ये वही साल था जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। फ्रांस के राजा लुईस ने ही अमेरिका की मदद की थी, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन उस समय दुश्मन हुआ करते थे। लेकिन ये सब करने से फ्रांस को बहुत खर्चा उठाना पड़ा। साथ ही 1778 से 1783 तक एंग्लो फ्रेंच युद्ध चलता रहा, जिसके बाद फ्रांस देश पर बहुत अधिक कर्ज बढ़ गया। फ्रांस की जनता पहले से ही गरीबी में जी रही थी, ऊपर से राजा और कर्ज में आ चुका था, पर इसके बावजूद भी किंग लुईस वर्साय में अपने लिए आलीशान महल बनवा रहा था। जहां अभी तक लोग राजा रानी को भगवान की देन मानते थे, वहीं अब कहीं ना कहीं लोग इन पर सवाल उठाने लगे और उनके अंदर नफरत भी उमड़ने लगी थी। लोगों का गुस्सा अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। जब किंग लुईस को इस बात का पता चला तो उसने सलाहकारों की एक सभा बुलाई। ये सभा 5 मई 1789 को बुलाई गई, पर इस सभा से कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके बाद आम जनता ने फैसला किया कि वो खुद ही सरकार बनाएंगे। इसके बाद सारी जनता वहां बने टेनिस कोर्ट में पहुंच गई और नई सरकार बनाने की शपथ ली। यह तारीख थी 17 जून 1789 की। इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे
जिसमें हर एक व्यक्ति समान हो। जो लिबरल लोग थे राजा की तरफ और क्लर्गी की तरफ, वो भी अब आम जनता की तरफ खड़े हो गए थे। राजा लुई ये सब देखकर डर गया। उसको लगा कि कहीं वो सब मिलकर उसे मार ना डाले, इसलिए राजा ने भी इस नई गवर्नमेंट को अपना लिया। अब राजा जब गद्दी पर बैठता तो उसके लेफ्ट साइड में आम जनता को रिप्रेजेंट करने वाले बैठते थे और राइट साइड में बैठते थे क्लर्गी और राजा के तरफ के लोग। यहीं से लेफ्ट विंग और राइट विंग जैसे सब निकल कर सामने आए। लेफ्ट विंग वालों का कहना था कि हम इक्वलिटी लाना चाहते हैं, और राइट विंग वालों का कहना था कि जैसे पहले से चलता आ रहा है वैसा ही चलने दे। ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते थे और परंपराओं पर बात करते थे। फ्रांस की क्रांति की पहली चिंगारी उठी थी 14 जुलाई 1789 को, जब लोगों के बीच ऐसी बात की अफवाह फैली कि राजा लुई पेरिस पर हमला करने वाले हैं और यहाँ अपना आधिपत्य जमाने वाले हैं, जिसके बाद लोगों ने बेस्टिये फोर्ट पर अटैक कर दिया। 14 जुलाई के दिन आज भी इंग्लैंड में नेशनल डे ऑफ फ्रांस मनाया जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की ये पहली चिंगारी थी। जैसे ही बाकी लोगों ने इस घटना के बारे में सुना, उन्हें भी लगा कि हम भी अपने लिए लड़ सकते हैं। अब टैक्स लेने वाले किसानों के पास आते थे तो किसान साफ मना कर देते थे। आम लोगों द्वारा बनाई गई सरकार को नेशनल असेंबली कहा जाता था। अब नेशनल असेंबली की बातों को राजा के सिक्योरिटी गार्ड भी सुनने लगे थे। 9 जुलाई 1789 को नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और 26 अगस्त को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन एक डॉक्यूमेंट को अपना लिया, जिसे फ्रांस के संविधान के पहले ड्राफ्ट के रूप में देखा जा सकता है। इसमें 17 आर्टिकल थे और इसे लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी पर बनाया गया था, लेकिन राजा लुई ने इस डॉक्यूमेंट में साइन करने से मना कर दिया था। 5 अक्टूबर 1789 को एक और चिंगारी उठी क्रांति की। खाने के दाम बहुत बढ़ चुके थे, देश की आर्थिक हालत बद से बदतर थी। 5 अक्टूबर को हजारों औरतें इकट्ठा हुईं और सुर और ढोल बजाते हुए वर्साय के महल पहुंची। इतनी भीड़ देखकर राजा लुई और उसकी पत्नी डर गए। अंत में राजा को उस डॉक्यूमेंट में साइन करने ही पड़े। साल 1791 में यहाँ इलेक्शन हुए और 1792 में साम्राज्यवाद का अंत कर दिया और फ्रांस एक गणतंत्र देश बन गया। राजा लुई और मैरी एंटोनिएट को जेल में डाल दिया गया और बाद में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उस समय फांसी की सजा नहीं होती थी, उसकी जगह गुलिटिन होता था। ये एक प्रकार का एक कटघरा होता था जिसमें दोषी को लिटा कर गला काट दिया जाता था। फ्रांस की क्रांति के दौरान बहुत खून खराबा हुआ था। आम लोगों ने कई राजाओं के साथियों और क्लर्गीज की निर्मम हत्या की थी। उनके सर काट कर भाले के ऊपर लगाकर पूरे शहर में घुमाया था। कई विद्वानों के अनुसार ये क्रांति इतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती है। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की क्रांति की सत्ता अपने हाथों में ले ली और कुछ सालों बाद खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।